थे, ताहम उनकी बोरीबंद लाश हयातबाद से मिली। मकतूल क्रिकेटर के बन हबीब के मुताबिक नौमान हबीब की गुमशुदगी की रिपोर्ट मुतालिका थाने में दर्ज करने की कोशिश की गई, ताहम पुलिस ने ताउन नहीं किया, जिस पर उन्होंने अदालत से रुजू किया। ये इतवार के दिन से तकरीबन 6:30 बजे यूसुफजई मार्केट में हमारे एक दोस्त अब्दुल्ला नाम है, उसने उसको ड्रॉप किया है, और वहाँ से जब यह निकला है मार्केट की तरफ से, तो वहाँ से इसका जो कनेक्शन है मोबाइल का वो ख़त्म हो गया था। नौमान हबीब ने कौमी अंडर 19 टीम की नुमाइंदगी भी की। T20 मुकाबलों में नौमान हबीब ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। नौमान हबीब ने 63 फर्स्ट क्लास मैचेस में खैबर पख्तूनख्वा और मुख्तलिफ इदारों की नुमाइंदगी की। कत्ल की खबर सुनकर मकतूल क्रिकेटर के क्रिकेट के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान करार दिया है। नौमान हबीब की नमाज जनाजा हयातबाद में अदा की गई, जिसमें सैकड़ों सोगवारों ने शिरकत की। बाद अज़ां उन्हें आबाई कब्रिस्तान में सुपर्दे खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में शरीक अफराद नौमान हबीब के बहिमाना कत्ल की शदीद मजम्मत करते रहे। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ उमर यासर, जियो न्यूज़।